बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिलीशियस फूडर्स में बन रहा है चिकन शाही कोरमा, तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चिकन लिएगी 1 kg यानी कि 1 किलो। ऑयल लेंगे 1 कप, दही लेंगे 1 कप, तेज़पत्ते लेंगे मैंने यहाँ 2 अदद लिए, छोटी इलायची मैंने 4 अदद लिए, प्याज लेंगे 4 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून, सॉल्ट लेंगे हसबे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्ची लेंगे 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लेंगे 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, पानी लेंगे हसबे ज़रूरत, एंड में हम डालेंगे इसमें क्रीम 5 टेबल स्पून। अगर आप लोगों के पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद हम यहाँ पर मैरिनेशन की तरफ चलते हैं, जो हमें दही के साथ मैरिनेशन करनी है, फिर उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और पिसा हुआ धनिया डाल दिया। इसको मैं मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये मैरिनेट हो चुका है हमारा, अब हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा प्रीहीट हो जाए ऑयल। ऑयल हमारा प्रीहीट हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। जब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, कलर आ रहा है इसका। तकरीबन ब्राउन हो गई है, फ्लेम बिल्कुल लो है, इस बस हम निकाल लेंगे प्लेट में। गरम मसाला ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, भूनेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो है, साथ ही हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छी तरीके से भुनेंगे ताकि इसका पानी छोड़ेंगे। चिकन भुनना स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से, कलर आ रहा है इसका। इसलिए दही की जो मैरिनेशन है वो देखिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें दही की मैरिनेशन, जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है लाल मिर्च और हल्दी का, वो इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन भुनने पे आ गई है, हम इसमें दही वाला पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके डाल देंगे इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको गलने के लिए छोड़ेंगे, इसमें जोश आ जाए अच्छे तरीके से। फ्लेम अभी हाई है, ढक्कन ढक के इसको जोश का इंतज़ार करते हैं, फिर फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल। ये जोश आना स्टार्ट हो गया है, तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ूंगी, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ये चिकन हमारी अच्छी तरीके से गल गई है और ऑयल भी अच्छा ऊपर आ गया। अब हम इसमें चूरा की हुई प्याज ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। साथ ही सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के मुताबिक।
मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट इसको पकने देंगे। मैं स्टार्ट हो गया, अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी। पिसा गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर, साथ हम इसमें डालेंगे क्रीम। दो से 3 मिनट इसको दम पे छोड़ेंगे मीडियम फ्लेम पर। माशाल्लाह ये रेडी है, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह शाही चिकन कोरमा हमारा रेडी है। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।